बरक डियर स्टूडेंट टूडे वी विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ जीरो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे जीरो को समझना भी है और जीरो को हमें लिखना भी है तो देखिए बच्चों बुक के पेज पर कुछ पिक्चर्स दी हुई लुक मोहम्मद जिदान दिस। तो देखिए यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बस स्टॉप क्या है बस स्टॉप ओके बस स्टॉप पे कुछ लोग खड़े हैं देखो वन टू थ्री एंड फोर ये मम्मी पापा है और उनके दो बच्चे हैं अब यहाँ पर नीचे देखिए एम टी बॉक्स दिया हुआ है यानी इसमें कोई नंबर हमें लिखना होगा डैश पैसेंजर आर वेटिंग फॉर अ बस ये लोग रुके हैं किस लिए वेटिंग वेटिंग यानी इंतजार कर रहे किसका बस का डैश पैसेंजर आर वेटिंग फॉर अ बस मोहम्मद जिदान हाउ मेनी पैसेंजर वेटिंग फॉर अ बस हाउ मेनी काउंट करो इन्हें वन राइट इोर ओके Read this sentence. Four passenger are waiting for a bus. Four passenger waiting for a for a bus. Very good. अब देखो बेटा यहाँ पर बस आ गई और बस में पैसेंजर चढ़ गए अब हाउ मेनी पैसेंजर ऑन द बस स्टॉप जीरो वेरी गुड राइट zero. Right zero. देखिए बच्चों जीरो को किस तरह से लिखा जाता है जीरो पैसेंजर वेंट इन द बस जीरो पैसेंजर रिमेन यानी कितने बचे जीरो ओके लुक मोहम्मद जिदान द वाइट डिश हैज डैश लड्डू हाउ मेनी लड्डूज इन डिश वन टू थ्री फोर फाइव Five. Okay. Right here. Five. Read this sentence. The white dish has five laddus. The white dish has a five laddus. Very good. Pink dish has no laddus. It means there are zero. Very good. Read this, uh, read this sentence. It means there are it means there are zero laddus zero laddus okay very good mohammed zidan